सरायकेला खरसावा के कुचाई क्षेत्र के दलबंगा से डैनियल नाग अफीम के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा। पूरे मामले में NDPS के तहत कार्रवाई की जा रही है। 20 वर्ष पिता सुलेमान नाग साकिनाल मुठूगोड़ा टोला मानडी थाना कुचाई जिला सरायकेला खरसावा बरामदगी में 2.5 किलो अफीम और एक मोटरसाइकिल पर से और इसमें ये पिछले कुछ दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि जिले के कुचाई थाना के दरभंगा उप क्षेत्र में जो अफीम होता है अवैध होता है उसका खरीद बेच की सूचना प्राप्त हो रही थी मोटरसाइकिल के द्वारा। तो इस सूचना का सत्यापन करने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु हमारे CRPF 157 बटालियन और दरभंगा ओपी के पुलिस पदाधिकारी कर्मी द्वारा एक टीम बनाई गई और रोड को चिकनाका लगाया गया। तो 24 मार्च को यानी पिछली रात 10:30 बजे करीब एक व्यक्ति था जो मोटरसाइकिल से दरभंगा ओपी से इधर आ रहा था, कुचाई की तरफ आ रहा था। उसको रोकने के लिए हाँ दिया गया तो वो मोटरसाइकिल छोड़ के भागने लगा। तो उसके बाद उसको खदेड़ करके पकड़ा गया तो उसके पास से एक थैली मिली जिसके विश्लेषण से मालूम चला कि ये अफीम है, होती है प्योरीफाइड, लगभग 2.5 किलो वजन का है। और अभी इसकी कीमत क्या है इसका हम लोग आकलन कर रहे हैं। इसकी कीमत लाखों में हो सकती है, कुछ लाख में हो सकती है। और जो व्यक्ति पकड़ाया है उसका नाम है डेनियल नाग, उम्र लगभग 20 वर्ष और इसका पहले से भी उस क्षेत्र के उग्रवादियों से संबंध रहा है। ये लॉजिस्टिक वगैरह का सप्लाई करता था, उनसे कॉन्टैक्ट में रहता था। इसके पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है अफीम के अलावा, और इसने कुछ और व्यक्तियों का नाम बताया है। पहले तो झूठ कर रहा था बंगाल जा रहे हैं वहाँ बेचने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस क्षेत्र के ही उग्रवादियों को बेचने जा रहा था ताकि टेरर फंडिंग हो सके, उनको पैसा मिल सके और उग्रवादी अपना संगठन और मजबूत कर सके। तो हमें इसके अलावा हम लोग उस क्षेत्र में आपको मालूम ही होगा कि अफीम की पुस्तों की काफ़ी बड़ी मात्रा में खेती की जा रही थी। तो हमें एकड़ों में मतलब पूरे ज़िले में ऊँचाई दरभंगा चौका कांडरा ईशागढ़ में अभियान चला करके हमने 50 एकड़ से भी ज़्यादा अफीम की खेती का नष्टीकरण किया है, जो कि हाल फिलहाल का एक रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है जिला के लिए। और इस घटना में हम NDPS एक्ट के तहत उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और उसने अपने बयान में कुछ और व्यक्तियों का नाम बताया है, इसका सत्यापन किया जा रहा है। और इसके बाद इसके बारे में और कुछ हम लोग को मालूम चलेगा, कुछ और रिकवरी होगी तो आप लोग हम सूचित करेंगे। इस गिरोह के बारे में भी कुछ सामने आया सर? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ गिरोह या ऑर्गेनाइज गिरोह का पता नहीं चला है, लेकिन हो सकता है उससे पूछताछ पता चले कि इसका संचालक कौन था, किसके इशारे पर ये खरीदता था, किससे खरीदता था, कहाँ बेचता था। अभी पूछताछ चल रही है उससे और हमें हो सकता है और सूत्र मिले, सूचना मिले समय में। मुख्य सरगना तक पूछने का कोई क्लू इससे अभी तक नहीं मिला? हम प्रयास में हैं कोई तरह से कौन सा।